गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व की अवधारणा, जो इसका सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, इसकी स्टडी करेंगे। हमने पूर्व की वीडियो में पर्सनैलिटी के संदर्भ में जो इसका मीनिंग है उसकी स्टडी की, और नॉर्मली जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति की शारीरिक संरचना के संगठन के संदर्भ में माना गया है। जबकि जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी, क्योंकि व्यक्तित्व जो कंसेप्ट है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है बेसिकली, और जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास होता गया तो मनोविज्ञान के विकास ने व्यक्तित्व के कंसेप्ट में भी धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाने लगा। तो जब हम अर्थ की बात पूर्व के वीडियो में की, उसमें जो यूनानी जो सभ्यता के अंतर्गत यूनानी लोग हुआ करते थे, वो जो शब्द हमने यूनानी भाषा के परसोना शब्द से लिया था इस व्यक्तित्व का अर्थ, तो परसोना वो जब भी कोई भी नाटक या प्ले, नॉर्मली प्ले इंग्लिश लैंग्वेज बात थी, तो जो प्ले हुआ करते थे उसमें जो भी पात्र वहाँ डिसाइड किए जाते थे उस नाटक से रिलेटेड, वो सब एक नकाब पहनते थे, और उस नकाब के संदर्भ में ही जो भी नाटक में वो व्यक्ति पार्ट प्ले करता था उसी से उसकी पर्सनैलिटी को माना जाता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे 14वीं शताब्दी के आने तक पर्सनैलिटी शब्द में जो शब्द आज हम पर्सनैलिटी के रूप में जिस शब्द को देखते हैं उसका परिवर्तन हुआ। 14वीं शताब्दी से पहले उसे परसोना शब्द के नाम से जाना जाता था, व्यक्तित्व के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता था यानी, और आधुनिक समय में 14वीं शताब्दी के बाद परसोना के स्थान पर पर्सनैलिटी शब्द का यूज व्यक्तित्व के संदर्भ में किया जाने लगा। अब इसके आगे की स्टडी, इसमें अब जो भी कंसेप्ट हमने पूर्व की वीडियो में देखे या जो भी अवधारणाएं हमने, जो धारणाएं थी पर्सनैलिटी शब्द को लेकर के, वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। तो इस पर्सनैलिटी शब्द के अंतर्गत जो व्यक्तित्व शब्द है, इस व्यक्तित्व शब्द में सामाजिक प्लस शारीरिक और प्लस इसमें मानसिक, तो ये जो तीनों ही है, ठीक है, तो इन तीनों के ही गुणों को सम्मिलित करके पर्सनैलिटी शब्द माना गया। यानी किसी व्यक्ति का शारीरिक संगठन या गठन अच्छा है तो वो भी उसकी पर्सनैलिटी में शामिल होता है। अगर किसी की बुद्धि अच्छी है, किसी का एडजस्टमेंट पावर अच्छी है, तो उसे भी व्यक्तित्व के संदर्भ में हम आकलित करते हैं। और कोई सामाजिक गुणों में विशेष है, जैसे है प्रेम है, सहयोग है, दया है, तो भी इन गुणों के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को आंका जाता था। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस पर संदेह किया कि ये कंसेप्ट तभी संभव है जब एक समाज के सभी व्यक्ति एक समान हो, जब एक समान होंगे तो एक समान होने पर उनका सामाजिक, शारीरिक और मानसिक ये सभी गुण समान होंगे, तब हम उसे पर्सनैलिटी के अंदर काउंट करेंगे। फिर अब एक समान किस संदर्भ में हो, इस ये जो एक समान है कि व्यक्ति के विचार एक हो, व्यक्ति के संवेग एक हो, और उसके अनुभव तथा सामाजिक क्रियाएं यानी सोशल एक्टिविटी जो समाज में रह करके व्यक्ति करता है, तो ये सभी चीजें जब एक समान होगी तभी हम उसको पर्सनैलिटी के अंदर
शामिल करेंगे। तो ये पूर्व की अवधारणा थी। तो इसके अंदर 14वीं शताब्दी के पश्चात जो भी व्यक्ति जो भी विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्तित्व के संबंध में जितने भी परिभाषाएं या अपने मत दिए या अपने विचार दिए, उन सब में उन्होंने व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक इन तीनों गुणों के आधार पर ही अपनी डेफिनेशन दी थी। अब इस व्यक्तित्व के संबंध में जो आधुनिक अवधारणा है, यानी वर्तमान समय में व्यक्तित्व किन तत्वों का योग माना जाता है, तो व्यक्तित्व के संदर्भ में जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तित्व का जो गठन है, जिसके आधार पर हम व्यक्तित्व के व्यक्तित्व को आकलित करते हैं, तो उसमें उन्होंने पाया कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व व्यक्तित्व संगठित इकाई व्यक्तित्व संगठित इकाई न मानकर गतिशील संगठन और एकीकरण की प्रक्रिया है। तो जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने व्यक्तित्व के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उन्होंने ये कहा कि जो भी उसकी शारीरिक है, सामाजिक है, एनीथिंग एल्स, जो भी उसकी गुण, उसकी विशेषताएं जो हमें व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अंदर दिखाई देती है, वह संगठित इकाई है। ऐसा नहीं कि पांच गुण है तो पांच गुण ही उसके अंदर रहेंगे। उसको एक संगठित इकाई न मानकर उसको गतिशील संगठन और एकीकरण की प्रक्रिया माना है। यानी व्यक्तित्व के अंदर जो भी गुण है वो डायनामिक है, गतिशील है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उसके अंदर कम ज्यादा जो वृद्धि और विकास उसके अंदर चलता है, पर्सनैलिटी को लेकर के, व्यक्ति के गुणों को लेकर के, उसकी विशेषताओं को लेकर के, वो सब गतिशील संगठन है। सभी पर्सनैलिटी के कारकों को हम कारकों की जब हम बात करें, और साथ में एकीकरण की प्रक्रिया है, यानी किसी एक तत्व के आधार पर, चाहे सामाजिक गुण हो, चाहे इसका शारीरिक गुण हो, तो केवल एक तत्व के आधार पर हम व्यक्ति की व्यक्तित्व को आकलित नहीं कर सकते, बल्कि जितने भी तत्व व्यक्ति की व्यक्तित्व को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उन सभी के एकीकरण की प्रक्रिया को व्यक्तित्व माना गया है। तो इस प्रकार आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के संदर्भ में अपने अपने मत विचार जो दिए हैं, बहुत ही विस्तृत दिए हैं और बहुत डायनेमिक और परिवर्तनशील भी इसे कहा है, ताकि व्यक्तित्व के अंदर वो समस्त कारकों को लेते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो है व्यक्तित्व की परिभाषाएं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर व्यक्तित्व की परिभाषाएं, अब व्यक्तित्व की परिभाषाओं को लेकर विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने विचारों के आधार पर या अपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा, उसके आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी को जो देखा है, उसकी डेफिनेशन उन्होंने इस प्रकार दी है। सबसे पहले हम लेते हैं मन के अनुसार। मन, मन के अनुसार। अब मन ने जो डेफिनेशन दी है वो थोड़ी ब्रॉड दी है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व की
व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व की बनावट। ठीक है, एक तो व्यक्तित्व की परिभाषा जो उन्होंने अपने हिसाब से दी है, और व्यक्ति की बनावट, व्यवहार के ढंग। व्यवहार के ढंग, जो भी व्यवहार व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ या समाज में रहकर या परिवार में रहकर करता है वो। फिर अभिवृत्ति, रुचि, योग्यता, क्षमता, क्षमता और अभिरुचि, अभिरुचि और रुचि। रुचि को हम नॉर्मल किसी भी पसंद या नापसंद को कहते हैं, और अभिरुचि का मतलब है जो रुचि विकसित की जा सकती है, डेवलप की जा सकती है हमारे अंदर, वह अभिरुचि। तो आदि गुणों के, आदि गुणों के संगठन के रूप में के संगठन के रूप में दी जा सकती है, विशेषतः विशेषतः जब इसको सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक जब इसको सामाजिक परिस्थिति के समायोजन के दृष्टिकोण में देखा जाता है, तो ये जो मन महोदय के द्वारा जो डेफिनेशन दी है उसमें मन महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व की परिभाषा, जो भी अब तक परिभाषाएं उन्होंने देखी, उन विभिन्न विद्वानों द्वारा जो डेफिनेशंस दी गई, उन परिभाषा और व्यक्ति की बनावट यानी उसकी शारीरिक संरचना, व्यक्ति का व्यवहार यानी उसकी सामाजिक क्रियाएं जो वो समाज में रह के करता है, उसकी अभिवृत्ति यानी उसका जो दृष्टिकोण, उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि जो वर्जित करता है, इन गुणों का संगठन है। और विशेषतः सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करता है उसके संदर्भ में उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, यानी उन्होंने जो डेफिनेशन दी वो शारीरिक संगठन या शारीरिक संरचना के आधार पर, सामाजिक गुणों के आधार पर उन्होंने उसकी जो इसकी डेफिनेशन दी है, साथ ही उसकी मानसिक गुणों के आधार पर भी उन्होंने अपनी परिभाषा को देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार इस मन के द्वारा दी गई डेफिनेशन में भी उपरोक्त जो बताए गए तीन गुण हैं उन्हीं का ही प्रधानता हम देख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने जो डेफिनेशन दी है वो व्यक्ति, व्यक्तित्व, व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को
हैं। तो जो वुडवर्थ ने जो डेफिनेशन दी उसमें उन्होंने व्यक्ति के व्यवहार के अंदर जो भी उसके सामाजिक है, शारीरिक गुण है, मानसिक गुण है, आर्थिक गुण है, राजनीतिक है, पारिवारिक है, मानवीय, एनीथिंग एल्स, जो भी गुण उसके व्यवहार के अंदर समायोजित होते हैं उसी के आधार पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को आकलित उन्होंने किया है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार वैलेंटाइन की जो डेफिनेशन है, वैलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यानी वैलेंटाइन ने जो डेफिनेशन दी है उसके अंदर ऑलरेडी व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात उसके अंदर जो गुण विशेषताएं मौजूद है वो प्लस वो वातावरण में रहकर समायोजित होकर के अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर जो भी गुण अर्जित करता है उन सभी प्रवृत्तियों का योग व्यक्तित्व माना जाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वह डेफिनेशन है वॉरेन के अनुसार, वॉरेन के अनुसार। अब वॉरेन महोदय ने कहा है व्यक्तित्व, व्यक्ति के संपूर्ण, व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन, मानसिक संगठन है जो उसके व्यक्तित्व विकास की किसी किसी अवस्था से होता है। यानी वॉरेन महोदय ने व्यक्तित्व के अंतर्गत केवल मानसिक तत्वों और मानसिक गुणों का ही संगठन माना है और जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसके अंदर जो मानसिक गुण है वो विकसित हो जाते हैं और मानसिक गुणों के आधार पर ही उन्होंने व्यक्तित्व को आकलित किया है। अब एंड द जो लास्ट डेफिनेशन व्यक्तित्व की है वह सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी जो साइकोलॉजी आती है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में तो ये डेफिनेशन काफी पूछी जाती है। उसमें है ऑलपोर्ट की डेफिनेशन, यानी ऑलपोर्ट के अनुसार, और ऑलपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो लगभग 50 विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनमें से सबसे अच्छी या श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ऑलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक
मनोदेहिक व्यवस्थाओं व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, यानी ऑलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व के अंदर जो मनोदेहिक यानी मानसिक और शारीरिक दोनों जो अवस्थाएं डेवलपमेंट की चलती है, उन डेवलपमेंट की अवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास होता रहता है व्यक्ति के अंदर। अब यो कहे शारीरिक विकास तो कुछ साल बाद एक स्थिर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भी फिर भी चेंजेस होते हैं। ऐसा ही मानसिक विकास है, और मानसिक विकास के संदर्भ में जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी के अंदर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 15-16 साल या 20-21 साल तक मानसिक विकास को बताया, लेकिन उसके बावजूद भी वह अनुभव के आधार पर अपने मानसिक विकास उसका होता रहता है। तो इस प्रकार ये एक गत्यात्मक संगठन है, जितने भी तत्वों से पर्सनैलिटी डेवलप होती है, मनोदेहिक यानी मानसिक और शारीरिक दोनों का, और वो ऐसे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है उन तत्वों का, उन कारकों का, जो वातावरण के साथ अपना एडजस्टमेंट करते हैं और बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही फुलफिलनेस के आधार पर, यानी एक कंप्लीट एडजस्टमेंट वो निर्धारित करते हैं अपनी मानसिक और शारीरिक गुणों और तत्वों के आधार पर। तो उसके आधार पर जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है उसमें वही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखी के विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन कौन सी बात अपने विचार व्यक्तित्व के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस प्रकार हम ओवरऑल डेफिनेशन के आधार पर कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में सामाजिक, मानसिक और शारीरिक गुणों और तत्वों का एक गत्यात्मक संगठन है, जो वह उसके वातावरण के साथ रह करके समायोजन के आधार पर उस व्यक्तित्व को यानी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार और ये जो गुण है, जो विशेषताएं हैं या जो तत्व है, वो व्यक्ति या व्यक्ति के अंदर या तो जन्मजात होते हैं या फिर वो वातावरण में रह करके उन्हें अर्जित करता है, उसे ही व्यक्तित्व कहते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में बस व्यक्तित्व की डेफिनेशन की ही स्टडी करेंगे, उसके बाद इसके लक्षण, व्यक्तित्व के लक्षण नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो आज के असाइनमेंट के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि व्यक्तित्व की परिभाषाएं स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार आपको ये असाइनमेंट करना है। आई होप इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिएगा, जितना हो सके सुरक्षित रहिएगा, और ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धन में उपयोगी रहेगा। थैंक यू।